हेलो दोस्तों, परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जूनियर असिस्टेंट टेस्ट 06 का रीजनिंग सेक्शन के सॉल्यूशन को, जो क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू हुआ है। अभी तक का आपके जितने भी पेपर हुए हैं उनमें आपका देखेंगे कहीं ना कहीं डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट तरीके से आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। जो भी आपके संभावना जो है, जो जूनियर असिस्टेंट चल गया आपका दिसंबर में, उसमें आने की जो संभावना है, किस पैटर्न पर वो पूछ सकता है। कभी DI से क्वेश्चन पूछ दे, कभी वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछ दे, कभी कोडिंग डिकोडिंग का ज्यादा बना दे, उस हिसाब से आपके पूरे दसों के दसों टेस्ट पेपर सेट किए गए हैं रीजनिंग के। जैसे अब इस वाले में टेस्ट 06 में आप देखेंगे कि जो है DI का पोर्शन डाला गया है। तो पहला क्वेश्चन आपका DI है, इसी से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, अब इसमें जो है पाई चार्ट आपको दिया गया है, उसमें आपका जो है पूरा खर्चा दिया गया हुआ है कि किस किस पे एक जो है गृहिणी जो है किस पे खर्चा होता है, बिल पे कितना होता है, एजुकेशन पे कितना होता है, कपड़े पे कितना होता है, बचत कितना होता है खर्च होने के बाद, और हाउस होल्ड सामानों पे कितना खर्चा होता है। तो उसी पे एक क्वेश्चन बना है, यदि मासिक आय, अगर मासिक आय आपका इनकम जो है 50,000 है, तो ईंधन पर कितना व्यय है। तो ईंधन के सेक्शन पे आप देखोगे तो ईंधन का जो सेक्शन है तो उसमें कितना परसेंट जो खर्चा दिखाएगा, 20%। ठीक है, तो 20% इसका 20% निकाल लोगे 50,000 का, तो पता चल जाएगा क्योंकि 20% ही टोटल इनकम का उस पर खर्चा हो रहा है ईंधन पे, फ्यूल पे। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 10,000। तो आसान सा था, आप निकाल सकते थे। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 62 आपका डाइस का है, आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका आंसर सही होगा। 63 आपका डिस्टेंस डायरेक्शन है, इसके जो है आपके आंसर पूरा डायग्राम के साथ PDF में दे दिया गया है। 64 है आपका, मैंने पहले भी बता रखा है कि मैं आपको वही वही सॉल्यूशन बताऊंगा जो आपको PDF में अवेलेबल नहीं होगा। 64 में है कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है क्वेश्चन। कथन बोला, विश्वविद्यालय परीक्षा में अधिकांश उम्मीदवार हिंदी माध्यम में लिखते हैं। अधिकांश मतलब मैक्सिमम लोग जो विश्वविद्यालय की परीक्षा होती है उसमें हिंदी का यूज करते हैं लिखने में पेपर। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें निष्कर्ष आपका सही होगा। ABCD ऑप्शन दिया गया है कि इस परीक्षा में कुछ अभ्यर्थी हिंदी में लिखते हैं, कुछ नहीं मैक्सिमम लोग लिखते हैं। ठीक, तो ये नहीं होगा सही। इस परीक्षा में ज्यादातर हिंदी मीडियम वाले उम्मीदवार उपस्थित होते हैं, ये बात सही है। तभी वो हिंदी मीडियम के उम्मीदवार हैं, तभी वो हिंदी में एग्जाम आपका लिख रहे हैं। तो अधिकांश लिखा है ना, वहां पे भी बोला था कि अधिकांश ज्यादातर उम्मीदवार, तो ये आपका सही होगा। बाकी तो आप जानेंगे, जब ये सही होगा तो और कोई ऑप्शन सही होगा नहीं, तो ऑप्शन भी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 कथन और निष्कर्ष बोला है, अमेरिका में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, कुछ भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में काम कर रहे हैं। ठीक, तो यहां से भारतीय वैज्ञानिक जो अमेरिका में काम कर रहे हैं वो प्रतिभाशाली होंगे, क्योंकि जो है अमेरिका में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। तो आपको निष्कर्ष निकालना है, पहला भारतीय वैज्ञानिक में से कोई भी प्रतिभाशाली नहीं है, ये गलत है, क्योंकि कुछ तो यहाँ के गए ही हैं अमेरिका में काम करने, तो वो जो काम करेंगे वो प्रतिभाशाली होंगे। अगला है, सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक भारतीय, ये गलत है, कुछ गए हैं यहाँ से, ना कि पूरे के पूरे गए हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंड जो आपका है, कुछ प्रतिभाशाली भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका चले गए हैं, तो ये आपका सही होगा कि कुछ चले गए हैं अमेरिका, तो वो वहां चले गए तो वहां प्रतिभाशाली हो जाएंगे। और तीसरा आपका गलत हो जाएगा। और चौथा जो है, कुछ भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, तो कुछ जो गए हैं आपके अमेरिका वो प्रतिभाशाली होंगे, तो इसलिए ये भी आपका सही हो जाएगा। तो दूसरा और चौथा आपका फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं, इसमें है एक कथन, उसके नीचे दो कार्रवाइयां दी गई हैं। जैसे बोला है कि कथन में, कई स्कूलों में अधिकांश छात्र अंतिम परीक्षा में पास नहीं होते हैं, तो अब इसपे रिलेटेड क्या है कि आप क्या करोगे कार्रवाई अगर उस स्कूल में कोई लोग पास नहीं होते हैं। तो ऐसे पहला, इन स्कूलों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये किसी काम के नहीं, नहीं ऐसा कार्रवाई नहीं होना चाहिए कि आप स्कूल ही बंद कर दो। उसमें अगर पास नहीं हो रहे हैं तो उसकी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको देखना चाहिए कि उसमें शिक्षक कैसे हैं, अच्छे से अच्छे एजुकेटेड शिक्षक की भर्ती होनी चाहिए। ठीक, तो ये होगा ना कि ये आपका कार्रवाई होना चाहिए, तो आपका ये गलत हो जाएगा। इन स्कूलों में शिक्षकों को तुरंत हटा देना चाहिए, तो ये भी आपका नहीं होगा कि उनको पहले बताना चाहिए कि यहाँ पे बच्चे पास नहीं हो रहे हैं तो उन पे आप ज़्यादा वर्क करो जो नहीं पास हो रहा है, तो आपके दोनों कार्रवाई सही नहीं है। ठीक, इसलिए आपका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। अगला है, एनालॉजी से बाइंडिंग
पुस्तक में बाइंडिंग होती है उसी तरह पिक्चर जो है किसमें होगा, फ्रेम में होगा। नेक्स्ट है एनालॉजी का क्वेश्चन एक, इसे देख लेते हैं। 5 3 7 2 6 4 रिलेटेड है 6 4 8 6 4 6 8 4 9 5 7 3 4 6 7 2 1। अब ये किससे रिलेटेड होगा, तो आपको यहाँ से देखना है 4 प्लस 2 6 प्लस 2 2 प्लस 2 7 प्लस 2 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2, सब में लास्ट से प्लस टू होता जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो प्लस टू, ठीक, 2 1 3 2 में प्लस 2 4 7 में 2 9 6 में 2 8 4 में 2 6 3 में 2 5 3 4 9 8 6 5 आपका आंसर होगा। चलिए 69 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कोडिंग डिकोडिंग से है। डी आई जी एच टी आर डब्ल्यू एच जी एस, इसमें देखिए बीच वाला है ये 4 9 7 8 20 18 23 8 7 19, 7 से +1 हुआ है, बाकी ये जो है अपोजिट पेयर हैं 19 8 27 और 20 और 7 27, उसी तरह ये 27 और ये 27, उसी तरह आपसे कोड पूछा है इसका टी ई जी आर एम का, तो जी से एच प्लस वन हो जाएगा, इसका हो जाएगा एम एन, ये होता 13 ये होता 18, तो यहाँ होगा एन 14 पे तो सभी 27 होगा, यहाँ पे होगा आई और यहाँ इसका कर दें तो टी ये सा ई, यहाँ वी हो जाएगा और यहाँ जी हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन होगा सही होगा वी जी एच एन आई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका 70, ये आपका फिगर से है, आपका पीडीएफ में आंसर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 71, इसका भी पीडीएफ में आपका आंसर दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, इसका भी आपका पीडीएफ में आपका सॉल्यूशन व्याख्या के साथ दिया गया है, देख लीजिए। 73 भी है और 74 पे आते हैं, 74 आपका सीरीज है, क्वेश्चन नंबर 74, 2 3 4 9 16 81 अगला पूछ रहा है आपसे, तो देखिए 2 ये 4 ये 16, उसके बाद मतलब 2 का ये स्क्वायर है, फिर 4 का ये स्क्वायर हो गया, फिर 16 का स्क्वायर होगा तो 256, इसी तरह 3 का स्क्वायर 9 है, 9 का स्क्वायर 81 है, तो 81 का स्क्वायर इसके आगे वाली सीरीज में होगा, दो सीरीज चल रही है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी सही होगा। अगला 75, पीडीएफ में आपके आंसर दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। 76 को देखते हैं, डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट। चलिए 76 में बोला ए बी सी डी सी डी ई और एफ, 6 लोग हैं और एक सर्कल में बैठे हुए हैं केंद्र की तरफ मुख करके, और ए के संदर्भ में बी कहां बैठा है ये आपको बताना है। पहला जो कथन है आपका, ठीक है, पहला कथन आपसे बोल रहा है, बना देते हैं 1 2 3 4 5 3 2 3, ठीक, पहला बोला सी ए के बाएं पांचवें स्थान पे बैठा है, अगर ये यहाँ है तो सी पांचवें स्थान पे बाएं है ए से, तो बाएं तरफ इधर जाएंगे लेफ्ट में और ये आपका राइट साइड होगा, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पे सी होगा। अगला है बी सी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, बी है जो सी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो अगर सी के बाएं हम जाएं तो ये आपका 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा बी जो सी के बाएं, और आपसे क्वेश्चन में पूछा है ए और बी से, देखिए ए और बी मिल गए, पहले और दूसरे से ही हमारा ए और बी के बीच में आ गया रिलेशन, तो तीसरे पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, तो हम देख लेंगे कि ए जो बी जो है ए से किधर बैठा हुआ है, ए के संदर्भ में बी को देखना है, तो ए जो है जो बी है वो ए से बाएं में दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो हम बोल देंगे कि पहले और दूसरे से हमारा आंसर आ जा रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड पर्याप्त है आंसर देने के लिए। अगला है 77, ये भी आपका डाटा सफिशियंसी से है, इसका क्वेश्चन आप जो है व्याख्या है जो पीडीएफ में दे दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। 77 के बाद 78 ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, कोडेड ब्लड रिलेशन,
इसमें आपसे बताना है कि जो समीकरण दिया गया है ऑप्शन में कि कौन सा सही है, कि ए डी का क्या है भतीजा है, ए जो है डी का भतीजा है। तो यहां से ए की जेंडर क्लियर हो गया, क्या होगा प्लस। तो आपको ये देखना है कि किसमें ए जो है प्लस हो रहा है किसमें माइनस हो रहा है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, बी नाइन डी फाइव सी फाइव ए लिखा है, तो सी फाइव ए फाइव का मतलब क्या है, आप देखेंगे जब आप निर्देश में कि पी फाइव क्यू मतलब क्यू पी का पुत्र है, लास्ट वाला लिख उठाया है कि क्यू पी का पुत्र है। तो उसी तरह ए जो होगा यहाँ पे पुत्र होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो यह आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, इसमें जो है बी सेवन डी सेवन सी थ्री ए है, तो सी थ्री ए वाले में जो आप जाओगे तो थ्री का जो दिया गया पी थ्री क्यू क्यू पी की पुत्री है, मतलब ए जो है सी की क्या होगी पुत्री, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। हमें माइनस तो चाहिए नहीं, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, बी आपका खत्म। ऑप्शन सी में बी सेवन डी नाइन सी फाइव ए ठीक है। अब यहां देखेंगे सी फाइव ए, तो फाइव ए में फिर से ये प्लस आएगा, तो ये भी हो सकता है। ऑप्शन डी में आएंगे तो इसमें बी सेवन डी नाइन सी थ्री ए, इसमें फिर से माइनस में आएगा यहाँ पे, तो ये भी नहीं आंसर होगा। तो हमें ए और सी में से क्लियर करना है कौन सा आंसर होगा, तो किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला ए वाला कर लेते हैं, बी नाइन डी, बी नाइन डी का मतलब क्या है, पी नाइन क्यू का अर्थ है पी का भाई है, तो बी जो है वो डी का क्या आएगा भाई होगा। फिर डी फाइव सी, डी फाइव सी का मतलब हो गया क्यू पी की पुत्री है, उसी तरह सी जो है डी की पुत्री हो जाएगी। अगला है सी फाइव ए, सी फाइव ए का मतलब फिर हो जाएगा आपका कि ए जो है सी की पुत्री है, तो आपका ऐसा आ जाएगा। तो डी से ए का जो है भतीजे का रिलेशन इसमें नहीं निकल रहा है, इसमें तो दादा जो निकल रहे हैं ठीक है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा ए, तो पता चल गया कि अगर ए भी नहीं होगा बी भी नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा, तो बचा क्या आपका सी, तो आंसर क्या होगा आपका सी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 79 ये आपका दिया हुआ है पीडीएफ में, आप देख लीजिएगा वहां से। नेक्स्ट है 80, ये भी आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है पीडीएफ में, 81 का भी दिया हुआ है। 82 पे आते हैं, इसमें थोड़ा सा रॉन्ग है क्वेश्चन, एक जगह मिस्टेक हो गई है उसमें, मैं बता दे रहा हूं। देखिए थ्री हैश फाइव इक्वल टू 15, सेवन हैश नाइन इक्वल टू 63, टेन हैश 12 इक्वल टू 120 होना चाहिए था, जहां पे 60 लिखा हुआ है, तो आपको बताना है 15 हैश 3 क्या होगा। तो ये होगा 45, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, जो सी दिया गया वो बदल जाएगा, वो आपका जो होगा आंसर जो होगा ए होगा 45। अगला क्वेश्चन जो है 83 आपका दिया हुआ है पीडीएफ में, उसके बाद से हम आते हैं 84 पे, सीरीज है। रेंज एस ए ओ जी एफ, नेक्स्ट टी ए पी जी जी, नेक्स्ट यू ए क्यू जी एच, आपसे नेक्स्ट पूछा है आपका कि क्या होगा, आर से एस 1819 प्लस वन, यू से वी प्लस वन, वी से शुरुआत होगी। नेक्स्ट है ए आपका, देखिए ए जो है सब में कॉमन है तो ए तो रहेगा ही रहेगा, एन एन से ओ प्लस वन, ओ से पी प्लस वन, पी से क्यू प्लस वन, क्यू से आर प्लस वन, उसके बाद से जी सब में कॉमन है तो जी यहाँ होगा, उसके बाद ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, एच से आई, तो वी ए आर जी एच आई जो होगा ऑप्शन आपका ए जो होगा इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ऑड वन आउट 85, ऑप्शन ए है ए डी ई, अगला है एफ एफ एल, अगला है डी डी ई जी सी जे, आप इसके प्लेस वैल्यू लिख लीजिए जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसमें ऑड वन क्या है, एक चार पाँच छ छ बारह चार चार पाँच, और यहाँ हो जाएगा सात तीन
10, मतलब 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, बाकी ये 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ 4 आ रहा था, ये ऑड वन आउट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका ऑड वन हो जाएगा। अगले पे आते हैं, 86 आंसर दिया हुआ आपके पीडीएफ में, 87 भी दिया हुआ है, 88 का भी है, 89 का भी है, और 90 के भी आपके आंसर जो है, 90 एफ सीरीज है उसका नहीं सॉल्यूशन दिया गया है, मैं बता दे रहा हूँ सीरीज का। लास्ट क्वेश्चन आपका टेस्ट 06 का, -4 क्वेश्चन मार्क 3, 8, 14, 21, यहाँ +5, +6, +7, यहाँ क्या होगा +4, यहाँ क्या हो जाएगा -1, तभी +4 ओके 3 आएगा, तो आपका इसका -1 होगा आंसर। ठीक, तो ये आपके हो गए टेस्ट।